अमृतसर दे मैंबर पार्लीमेंट गुरजीत सिंह औजला वालों एक अपाहिज व्यक्ति की मदद की गई है। दस दिए कि कुछ व्यक्तियों वालों उस दियां लत्तां तोड़ के सुट दिता गया सी, जिस तो बाद गुरजीत सिंह औजला नूं जदों इस घटना का पता लग्या तो उन्हां वालों एंबूलेंस नूं फोन किया गया। पर गुरजीत सिंह औजला की मन्नी जाए तो उन्होंने 100 बार एंबूलेंस नूं फोन किया, बावजूद इसे एंबूलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलदियां उन्होंने आप ही नौजवान नूं अमृतसर के हस्पताल दे विच भर्ती करवाया। इसके नाल ही गुरजीत सिंह औजला ने जानकारी देंदे हुए दसिया है कि जेकर इस नौजवान के घर के इस नूं लैण आए तो ठीक है, नहीं तो इस नूं शैल्टर होम दे विच रखिया जाएगा, उत्थे इसका पूरा ख्याल रखिया जाएगा। उन्हें जानकारी देंदे हुए दसिया कि कुछ लोग इत्थे नौजवानों नूं चुक के लै जांदे हन अते कम करवाउण तों बाद उन्हां दीआं लत्तां तोड़ के उन्हां नूं सुट जांदे ने। औजला ने कहा है कि वह खुद ध्यान रखणगे अते जेकर किसी भी व्यक्ति नूं उन्हां दी जरूरत पैंदी है तां मोबाइल नंबर या फिर SMS राही उन्हां नूं जानकारी दे सकते ने। जानकारी देण वाले दी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। उधर पीड़ित नौजवान ने भी अपनी दास्तां बयान कीती। गल पई मैनूं कहिंदे है शहीदां साहब दे कोल सिनमे दे कोल आए गए, मैनूं कहिंदे कहिंदे भी टेलर दा कम हैगा वा ते 450 रुपये दिहाड़ी देवांगे, दो बंदे चाहीदे हैगे आ ते पैसे भी एडवांस दे दिंदे हैगे। मैं चलो भाई चल जाने है तो कहते 2-3 महीने का कम है। चलो भाई मैं बंदा पूछा कि मेरा उत्थे भी यार दोस्त है, मैंने कहा मैं जाना तू कहता भाई मैं नहीं जाना है। तो भाई मैं मीह पैंदा भाई सोमवार की गल है, तो फिर भाई मैं 100 फुटी चौंक तो बंदा लिता है, तो उत्थे जाके भाई मैं कहते गोहा चुक। मैं कहा भाई ये कम मैं कभी किया नहीं है, ये भाई कोई पिंड है मैं पिंड का नहीं पता है। हाँ जी हाँ जी अपनी गड्डी नहीं मोटरसाइकिल से लेके गया है। अच्छा तो भाई उत्थे जाके मैंने ना हर गल से सोटी मारता है, डांग डांग उन्हें जाते चक दी उन्हें, तो मेरे भी मारी गया वो भी मारी गया। फिर शाम को मैं कहता पट्ठे वढ़ के लेके आओ, आप भी नाल आ गया उत्थे भाई डांगा मार मारियां कितने उन्हें। कितनी देर हो गई तुम्हें उत्थे? भाई मैंने 4 दिन हो गए, कल छड्या मैंने उन्हें कई मार मार के मैंने सिट के गए मुँह सिर बन के। कितने सिटिया कितने? ये भाई कोई पिंड है इधर। अच्छा उतों फिर उतों फिर मुंडिया आवाजा मारिया, वो मुंडिया ने फिर सरपंच को बुलाया। तो वो भी मैंने कहते पे से कहते भाई पिंड दस के है। मैं भाई मैंने पिंड है मूँह मत मेरा सारा बनया होया कितों के रहने वाले? मैं भाई जलंधर का है। जलंधर के रहने वाले इतने की करना है, काम करना है? हाँ जी भाई इतने मैं काम करता बिंद वाले मुंडे नाल नाल रहिंदा है भरावां ढाबे दे कोल। अच्छा अच्छा तो काम के बहाने भाई? हाँ जी ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ। ਬੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਧੂੜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਘਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ। मारियां ने मेरे एक मेरे कल बंदा लेके गए एक होर ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਦਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਛਾਣ ਲਗਾ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾੜੀ ਇਦਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਦੋ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ
एक इंसान ने कोई जानवर नहीं गए। सो मैं बड़ा दुख लगा वेख के कि गुरु घर के शहीदा साहब वाल जाके इन्हें तशद्दुद किया उसके उत्ते। देख रेख कि जाऊगी बंदे दी, क्योंकि गुरु नानक हॉस्पिटल भेजता है और उतना पूरा मैं प्रबंध डॉक्टर साहब ने गल करके दवाइया का कपड़े कुपड़े बदल के बुरी हालत से बेचारे लत्तों दो टुटिया ने वो सारा इलाज भी यदा करवावे नाल दी नाल इन्हू कोई ना कोई इतने क्योंकि कहता मेरे परिवार जलंधर है मेरी एक भरजाई है जे तो वो लभ सके तो उन्होंने सपुरद करा नहीं तो कोई ना कोई जरा इतने जिमें कोई शैल्टर है कई होमलैस लोगों वास्ते उत्थे जरूर इन्हू रखांगे।